स्टेट्स क्लास ट्वेल्थ चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट बात ये आती है कि एडिशन कैसे होगी मैट्रिक्स की, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को ऐड करना होगा तब ध्यान दीजिए हम कैसे ऐड करेंगे। सपोज 2 1 3 4 प्लस 4 5 6 7, इसको जब दोस्तों ऐड करना होगा a11 इसका a11 इसका ऐड किया जाएगा। 2 प्लस 4 भाई, कहने का मतलब रो पहला और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट ऐड किया जाएगा। ये सेकंड एलिमेंट है, इसका ये सेकंड है, तो 1 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 7, इस तरीके से ऐड किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके लिए दूसरा एग्जांपल, सपोज डेट ABCD प्लस EFGH, जब इसे ऐड करेंगे क्या होगा, A प्लस E, B प्लस F, C प्लस G, D प्लस H। समझो दोस्तों, पहला एलिमेंट का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स में पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, इस तरीके से ऐड किया। नोट पॉइंट क्या होगा दोस्तों, जैसे ये एडिशन था, आगे इसी प्रकार जो है सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन नोट ऐड आप तभी कर सकते हैं, ऐड तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। दोस्तों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, यहां पर पहला नोट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल देन, तब मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, देन ऐडेड। अगर दोस्तों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल नहीं है तब हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। यहां पर ये मैट्रिक्स 2x2 की थी, सेकंड मैट्रिक्स भी 2x2 की है तो ऐड होगा। सपोज करो ये 2x2 की है, 2x3 की है, नो, तब मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। इसी प्रकार दोस्तों सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर ये सब्ट्रैक्शन हो, घटाना हो, तब क्या करेंगे, ये माइनस होगा, तब ए माइनस ई, बी माइनस एफ, सी माइनस जी, डी माइनस एच, इस प्रकार से मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। फिर आपके सामने बात हुई, नोट पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन वी सब्ट्रैक्टेड, तब हम उस मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आदत अगर सेम है, ये 2/2, 2/2 लेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं लेस कर सकते हो, ना ऐड कर सकते ना लेस कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मल्टीप्लीकेशन, वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन का। अब मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स ध्यान दो दोस्त, क्या ध्यान देना, मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वल टू दिया है 1 - 4 - 2 - 2, 3, 5। एक बी दी है 2, 3, 4, 5, 2। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर मुझे ए बी निकालना है, ए बी का मतलब दोस्तों ए इंटू बी, इन दोनों की गुणा करनी है, क्या किया जाएगा, यही देख लें दोस्तों। कठिन बात है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बहुत छोटी सी समस्या। मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों हमेशा रो बाई कॉलम से होगी। मल्टीप्लाई दोस्तों कैसे होगी, रो बाई कॉलम से, इसका फर्स्ट रो तो इसका फर्स्ट कॉलम, पहला रो इसका होगा तो पहला कॉलम इसका होगा, अगर इसका दूसरा रो होगा तो इसका दूसरा कॉलम होगा। देखो मैं क्या कहने वाला हूं, इसकी मल्टीप्लाई, पहला रो है तो ये पहला कॉलम, 1 × 2 किया दोस्तों, समझ में आया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पॉइंट छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिए, 1, 2 + 2, 2, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 × 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस लगाते हैं 3, 2 = 2, बता दोस्तों ये लाइन समझ में आई, फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ कर ली, अब सेकंड रो की इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, 4 × 2 - 8 लिख लो 2, 4 + +, का है ए भी प्लस, वो भी प्लस, प्लस 5 × 2 दोस्तों ध्यान दो। अब इस फर्स्ट कॉलम का खेल खत्म, भाई पहला रो उठाया इसके साथ किया, सेकंड रो उठाया इसके साथ किया, आप फर्स्ट रो उठाओगे सेकंड रो के साथ, 1 - 3 - 2, 5 - 3, 1 - अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 × 3 तो दोस्तों -4 × 3 + 2 - 5 + 5 - 1 इस प्रकार से मल्टीप्लाई की जाएगी और ऐड लेस कर लेना। अब आगे करते हैं, यहां पे लिखते हैं दोस्तों 2 + 2 - 8 + 6 - 8 + 8 + 10 - 3 - 10 + 3 - 12 + 10 + 5 दोस्तों इसे हल सॉल्व करोगे तो 0 है, 3, 3, 6 से 10 लेस कर दोगे माइनस का पूरा 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, फिर से समझ ली मैं क्या कहना चाह रहा था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यहां को इसकी से इसकी से इसकी इससे, सेकंड रो उठाओगी फर्स्ट कॉलम से करोगी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो फर्स्ट कॉलम के नीचे ही लिखोगी, लिख लिए। आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड कॉलम में लिखोगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से जब करोगे तो नीचे ही लिखते जाओगे सालम। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर यहां पर यहां इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने थे, 3 थे, और इसमें रो कितनी थी भाई, फर्स्ट में कॉलम कितने थे, 3 थे, सेकंड मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 3। अगर अगर इधर का कॉलम उधर का रो इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। दोस्तों फिर से समझो, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्यों, ध्यान दीजिए मैं एक इसे रेस कर रहा हूं, अगर इसे ट्यूबल हटा दे आप करके देख लो मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, इसकी इससे करोगे इसकी इससे करोगे इसकी किससे करोगे रह जाओगे। चलो आगे देख लो, इसकी इससे करोगे इसकी इससे करोगे इसकी किससे करोगे, कहने का मतलब सेंस ये निकला दोस्तों, अगर नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इधर का नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे 2/3 ये क्या है दोस्तों, अभी लिखा था मैंने 2/1 ये क्या है 3/1 की ऑर्डर यही है। इन जब ऑर्डर लिखने पर ये डिजिट अगर सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, कर ही नहीं सकते। अब आपके मन में ये आ रहा है, मैं थोड़ा और घुमा कर बात करूंगा, अगर सेम ना करने भी हम ऐसा दोस्तों करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा 5-6-7 अब ये हो जाएगी पॉसिबल है दोस्तों, पॉसिबल है, कर सकते हो क्यों कि नहीं कर सकते, देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे फर्स्ट रो की इससे करोगे हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भाई की करोगे तो इस तरीके से लिखते चले जाओगे, इसकी इससे करोगे ये आ जाएगा, इसकी इससे करोगे दोस्तों ये आ जाएगा, इसकी इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, अब इसकी इससे करोगे तो ये आ जाएगा, अब सेकंड की करोगे इससे तो ये चीज, इसकी करोगे इससे तो ये चीज मिल जाएगी। लेकिन अब दोस्तों अगर ऐसा कर दे, कॉलम 2 है और 3 तो दोस्तों मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगी गुड, इसकी -2 की 4 से करोगी वेरी गुड, लेकिन इसकी कौन करेगा किससे कर दोगे, तो लास्ट में नोट पॉइंट आया, क्या नोट पॉइंट आया दोस्तों, नोट में नोट कीजिएगा नोट, मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हैं जैसे 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम एन, पहली मैट्रिक्स एम एन की और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्यू का, ये डिजिट सेम, ये डिजिट अगर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे की बात उम्मीद है मल्टीप्लाई सीख गए होंगे आप, नेक्स्ट बात में करता हूं। नेक्स्ट बात दोस्तों ये आ गई, अगर ये एक मैट्रिक्स है 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24 तो अगर हम कोई डिजिट कॉमन लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से बाहर निकलेगा, जैसा 2 बाहर लिया
थ्री टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सेवन एट टेन इलेवन ट्वेल्व, समझो दोस्तों। अगर कोई डिजिट कॉमन लोगे तो पूरे पूरे प्रत्येक रो से प्रत्येक कॉलम से आपको कॉमन लेना होगा। अगर मल्टीप्लाई करनी होगी तो प्रत्येक से करोगे। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो, विधवा समझ में आई होगी। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। एक्सरसाइज 7.2 के साथ आगे मिलते हैं आप लोगों को।